तो माशाल्लाह ना सिर्फ ये बल्कि इनकी पूरी फोर्स जो इनके पुलिस ऑफिसर्स हों, इनके कॉलीग्स हों, ये सब मिलके आगे बढ़ चढ़ के हेल्प आउट करते हैं अपनी आवाम को, अपने मज़दूर तबके को, और किसी भी क्लास स्ट्रक्चर या क्लास डिफरेंस में नहीं पड़ते, हर किसी को इक्वली और पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। आज हमारे साथ, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTO लाहौर हमारे साथ हैं, सैयद हम्माद आबिद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साहब, इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम टुडे। और ये जो मैंने एक पॉइंट आउट की चीज़, मैं चाहूँगी कि आज गुफ्तगू भी हम उधर से ही शुरू करें। आपके लाइन ऑफ वर्क में वैसे ही आपको इतनी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, बट उसके साथ साथ जब इंसान को फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस भी करनी हो तो इट्स नॉट ईजी। आज लेबर डे है, मज़दूरों का आलमी दिन है, और आप लोगों ने द पंजाब पुलिस मेड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट। पंजाब पुलिस रिलीफ फंड, 20,000 से ज़्यादा ड्राई राशन के पैकेजेस जो हैं वो लोगों में बांटे। कुछ बात करेंगे इससे रिलेटेड? जी हाँ, एक तो वेरी काइंड ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। इंटरनेशनल लेबर डे के हवाले से एक तो जनरल पैगाम यही देना चाहूँगा कि ये दिन तो हर साल आता है, लेकिन आज इस दफ़ा ये जो इंटरनेशनल लेबर डे है इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, फॉर द रीज़न बीइंग के जिस तरह के सूरत हाल से हम लोग गुज़र रहे हैं, नॉट ओनली अस बल्कि पूरी दुनिया इस सूरत हाल से गुज़र रही है। तो इस डे के हवाले में यही कहना चाहूँगा कि जितने मुख़य्यर हज़रात हैं उनको दिल खोल कर, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो मुस्तहकीन हैं, और वैसे भी रमज़ान का महीना है, इसमें तो बरकात भी ज़्यादा हैं और सवाब भी ज़्यादा मिलता है, तो अपने सदक़ात, अपनी ज़कात, इन्फ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह इस मंथ में ज़रूर करें। और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है जिस लोगों के ऊपर, वो ज़ाहरी बात है डेली वेजेस के ऊपर हुआ है, और ये दिन भी उनसे मंसूब है। तो आज के दिन स्पेशली, और आगे आने वाले दिनों में भी, और आखिरी अशरे में स्पेशली, रमज़ान के दिल खोल कर अपने एहतियात दें, और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सवाब भी मिले और एक हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर सकें। जी बेशक, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। वैसे काशिफ भाई, आपने कभी सोचा है कि कितनी मुश्किल ड्यूटी है इन लोगों की, कितना टफ काम है? अगर आप देखें तो सारा सारा दिन, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, पैंडेमिक हो, कोई क्राइसिस आ जाए, यू गाइस आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइन। ईद शबरात आ जाए, कहीं पर भी, सभी इवेंट्स पे, बिल्कुल। सो हाउ डू यू अपने दिल को कैसे मनाते हैं हर सर्कमस्टांसेस में, आप भी और फिर इतने लोगों को लीड भी करना? इट्स नॉट इजी, लाहौर इज़ अ ह्यूज सिटी। जी हाँ, इसमें इस तरह है कि जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में यू अप्रिशिएटेड दी इनिशिएटिव ऑफ पंजाब पुलिस, जो रिलीफ फंड बनाए वो IG साहब का इनिशिएटिव था, जहाँ पे वी आर ऑन द फ्रंट लाइन टू सर्व द सिटीजन्स ऑफ लाहौर, और फॉर दैट मैटर पंजाब पुलिस की बात करें तो हमारे तमाम अज़ला में ये सूरत हाल है, और हमारे जो सिपाही हैं, हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं, अलॉन्ग विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हेल्थ प्रोफेशनल्स तो कर रहे हैं अपना काम, और सबसे ज़्यादा एक्सपोज वो हैं, लेकिन बाकी भी इदारे मिलजुल कर अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो जैसे ही ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो IG साहब ने एक पंजाब पुलिस रिलीफ फ़ंड इस्टेब्लिश किया, और उसमें वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दी हमारे तमाम जवानों ने, हमारे राइट फ्रॉम, आप नायब कासिद की मिसाल ले लें, स्वीपर्स की ले लें, क्लास 4 के मुलाजमीन, इन एवरी टीयर, इन एवरी रैंक। मैं यही बात कहना चाह रही थी कि व्यूअर्स, ये प्योरली वॉलंटरी था, ये नहीं था कि IG साहब ने कहा कि ये करना है तो सबने डर के मारे कर दिया। जी, ऑब्वियसली जिसका जी चाहता था और सबने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया। मैं आपको अगर माशाल्लाह सिर्फ बहुत अच्छी मिकदार में, जारी बात है, फंड्स जनरेट हुए और 20,000 डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ को राशन पैक्स उनके घरों तक पहुँचे, मैं आपको सिर्फ जज्बे की बात करता हूँ, सिटी ट्रैफिक पुलिस के लाहौर के जो मेरे, वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ ऑलमोस्ट 3,300 वार्डन्स एंड डिफरेंट रैंक्स, माशाल्लाह। तो उसके अंदर इनिशियली जब हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन के करीब हमारे स्टाफ ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिर जब हमने सबमिट कर दी ये रिलीफ फंड के अंदर, तो उसके बाद और वॉलंटियर्स हमारे आए, उन्होंने फिर सबमिट किया, फिर हमारी अमाउंट बढ़ी, उसके बाद थर्ड ट्रांश दोबारा लोगों ने इकट्ठा खुद किया वॉलंट्री, और उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो इससे पता लगता है कि पंजाब पुलिस अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ के अलावा अपनी माशरती और इंसानी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही है। लेकिन सर, मोरल कैसा है आपकी टीम का? देखें एक